Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. वचन का महत्व प्राणों से भी अधिक होता है। ये आज तुमने प्रमाणित कर दिया है वत्स हरिश्चंद्र। किंतु ऐसा त्याग जिससे किसी के जीवन में कोई संकट आए, उसकी न तो कोई आवश्यकता है और न ही वो धर्म के अनुसार है, क्योंकि भगवान पीड़ा से नहीं भक्ति और प्रेम के भाव से प्रसन्न होते हैं, और उन्हें पाने का एकमात्र यही उपाय होना चाहिए। माता ने फिर जगत को भक्ति और त्याग का सही अर्थ बताया। धर्मानुसार त्याग विकारों का करना चाहिए, बुराइयों का करना चाहिए। जिससे किसी को कष्ट हो, ऐसे प्रत्येक कर्म का त्याग करना चाहिए, क्योंकि किसी के प्राण अथवा तन को कष्ट पहुंचाना धर्म संगत कैसे हो सकता है भला? भक्ति और प्रेम भाव से भगवान प्रसन्न होते हैं, तभी वरदान भी मिलते हैं और चमत्कार भी होते हैं। गणेश जी, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि फिर राजा हरिश्चंद्र को क्या मिला? माता ने अपने वचनों से उन पर कृपा वर्षा की, उन्हें एक और सीख दी। और स्मरण रहे, राजा का धर्म होता है अपने सभी प्रजाजनों को समानता के भाव से देखना, कोई भेदभाव न करना, यही राजा की सर्वोच्च मर्यादा है। राजा हो या रंग, ईश्वर के सामने सब एक ही समान है। इस समानता के भाव का सम्मान न करने के कारण ही तुम्हें ये परीक्षा देनी पड़ी, क्योंकि धन संपत्ति सब नष्ट हो जाते हैं या सब पीछे छूट जाते हैं, किंतु अच्छे कर्म, उनसे अर्जित पुण्य मनुष्य के साथ रह जाते हैं, और ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इसलिए शुभ कार्य में किसी निर्धन के घर जाना किसी मर्यादा का उल्लंघन करना नहीं हो सकता। क्षमा कीजिए माँ, फिर ऐसी भूल मैं कदापि नहीं करूंगा। वत्स हरिश्चंद्र, तुम ऐसे महान सत्यवादी होने का उदाहरण प्रस्तुत करोगे जो निद्रा में स्वप्न में दिए गए वचन भी पूर्ण करोगे और उसे सत्य प्रमाणित भी करोगे। भविष्य में तुम्हारी दृष्टि निर्धन धनवान जाति धर्म किसी में भेद नहीं होगा। सभी प्रजाजनों को एक समान मानने वाले सत्य प्रिय और न्याय के प्रति समर्पित तुम सभी प्रजाजनों के हित में निरंतर कर्म करने वाले वो राजा होगे जिसके लिए मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होगा, जो सत्य का पर्याय होगा। अनंत काल का जब जब सत्य की चर्चा होगी, तुम्हारा नाम अवश्य लिया जाएगा। सत्यवादी हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र। और पुत्री तारा, मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति, मुझ पर तुम्हारा अटूट विश्वास सर्वथा अद्भुत है, इसलिए मैं तुम्हें आशीष देती हूँ कि तुम सदा मेरे और मेरे भक्तों के समीप ही रहोगे। मन से, शब्दों से मेरे भक्त मेरे साथ साथ सदा तुम्हारा भी स्मरण करेंगे। तुम्हारी कथा कहे बिना मेरा जगराता पूर्ण नहीं होगा। जयकारा शेरावालिदा, बोल साचे दरबार की जय। और ये थी कथा देवी तारा रानी की और देवी रुक्मन की सच्ची भक्ति की। ये कथा हमें सिखाती है कि अगर हमसे कोई गलती या फिर कोई अपराध हो जाए तो हमें उसे छुपाना या फिर उससे भागना नहीं चाहिए, बल्कि भक्ति की शक्ति से उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। तो क्या प्रभु, जैसे रुक्मन को मुक्ति मिली, मोक्ष प्राप्त हुआ, तो क्या मुझे भी? अवश्य पुष्पदंत जी, इसलिए तो मैं आपको भक्तों की कथाएं सुना रहा हूँ। भक्त श्रीधर ने सत्य कहा था, भक्ति पापों से मुक्ति का उपाय है। रुक्मन ने भक्ति में जागरण किया और माता रानी की कृपा प्राप्त कर ली। अच्छा, तो उन वृद्धा माता को भी
श्रीधर द्वारा जगराता कराने का फल मिला होगा। फल तो सभी को मिलता है, जो जगराता कराते हैं उन्हें भी और जो करते हैं उन्हें भी, एवं जो सच्ची श्रद्धा से सुनते हैं उन्हें भी। क्या हुआ श्रीधर जी, आपका उत्साह इतना क्षीण क्यों हो गया? जगराता संपन्न जो हो रहा है माता, ये तो उनमें से हैं जो चाहते हैं जगराता कभी समाप्त ना हो, निरंतर चलता रहे, और ये माता रानी की भक्ति और सेवा करते रहे। क्या बात है नैनसुख जी, इतना प्रसन्न क्यों है? अरे प्रसन्नता की तो बात है ना भोला, जगराता समाप्त हो गया है, अब संभावना का और दान दक्षिणा प्राप्त करने का समय है। श्रीधर का ध्यान पूजा में ही रहता है और इनका पूजा से अधिक दान दक्षिणा में। आपके वहां संभावना में क्या मिलने की संभावना है? क्योंकि अगर वो नहीं मिली तो पूजा का पुण्य उसको प्राप्त होगा जो पूजा कराएगा। मैं श्रीधर महाराज को संभावना में क्या दूंगी, एक खूटी कौड़ी भी तो नहीं है मेरे पास, और इन्हें कुछ ना दे सकी तो फिर जागरण का पुण्य कैसे प्राप्त होगा मुझे? मेरी इच्छा अपूर्ण रह जाएगी। देखो देखो चढ़ावे की थाल तो देखो, अरे झोलियां भर जाएंगी हमारी, और उधर वो श्रीधर उस वृद्धा के घर से खाली हाथ लौटेगा। जग जननी जय जय माँ, जग जननी जय जय, भय हारिणी भवतारिणी, भय हारिणी भवतारिणी, भव भामिनी जय जय माँ, जग जननी जय जय। अनादि अनामय अविचल अविनाशी, अमल अनंत अगोचर, अज आनंद राशि। अविकारी अघहारी अकल कलाधारी, करता विधि भरता हरि, हर संहारकारी माँ, जग जननी जय जय। चढ़ावा सब होंगे मेरे, मिलेगी खूब संभावना, दिन फिर जाएंगे तेरे। बोल साचे दरबार की जय, बोलो माता रानी की जय, जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय, दुर्गा मैया की जय, दुर्गा मैया की जय। क्या हुआ माता, आप इतनी चिंतित क्यों हैं? क्षमा कीजिए, अधिक कुछ दे ना सकूंगी मैं। हो तो आप संभावना को लेकर विचलित हैं,
आप चिंता ना करिए माता, आपके घर में जो होगा मुझे स्वीकार है। जगराते के पुण्य को प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है, अन्यथा ये नहीं भी होता तो भी पूजा संपन्न है। किंतु इस निर्धन वृद्धा के पास तो। माता आप चिंता मत कीजिए, आपके घर में चावल का एक दाना भी होगा तो वो भी मुझे स्वीकार है। बोला तैयार हो जाओ, भाग्य के द्वार खुलने वाले हैं, संभावना के रूप में वारे न्यारे हो जाएंगे और हम यहां से अधिक धनवान होकर के निकलेंगे। जी पंडित जी। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। जगराता संपन्न हुआ जजमान, जय माता की। जय माता की, जय माता की। क्षमा कीजिए, मैं समझ गया, मैं अभी आपकी संभावना की व्यवस्था करता हूँ। स्मरण है ना भोला, सेठ जी निमंत्रण लेकर के जब आए थे तो क्या बोला था सेठ जी ने? निश्चिंत रहिए, मुझे सब स्मरण है, जो दूंगा मैं दूंगा, उस वृद्ध माता के यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा, यही ना? तो धान का एक दाना भी नहीं, फिर क्या करूं मैं, क्या दूं, कैसे दूं? माँ अब तो आप ही कृपा कीजिए। स्वामी क्या हुआ? वृद्ध माता चिंता में है, लगता है उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है और मैं नहीं चाहता कि वो चिंता करें, किंतु मुझे बस इतना चाहिए कि इस पूजा का पुण्य उन्हें प्राप्त हो, इससे आगे मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस माता की सेवा का अवसर चाहता था जो मुझे मिल चुका है। माता रानी कृपा कीजिए, सहायता कीजिए। फल है, अच्छा किया, लाइए इधर दे दीजिए। भोला तो अकेला है, इसका परिवार तो तीर्थ पर गया है, ये इतने सारे फल अकेले नहीं खा पाएगा, लाइए इधर दे दीजिए। हाँ हाँ उचित कहते हैं आप, ये लीजिए आप। हे करुणामयी माता, हे कृपा कारिणी, संभावना में कुछ देने के लिए इनकी सहायता कीजिए। माता बहुत भोला है आपका ये भक्त, बहुत पावन है इसका भक्तिमय हृदय, इसने यजमान की पूजा भी करवाई और अब स्वयं ही ये प्रार्थना भी कर रहा है कि यजमान को संभावना रूप में देने के लिए कुछ प्राप्त हो जाए। ऐसे भक्त भक्ति का जीवन भी बनते हैं और प्राण वायु भी, उनकी पुकार तो आप अवश्य सुनती हैं ना माता? और इसी विश्वास के कारण वो मेरे प्रथम चमत्कार का अनुभव करने वाला है। वो चमत्कार अब होने ही वाला है ना माता, जो इस भक्त को भगवान के और भगवान को इस भक्त के और निकट ले आएगा। माता ने कुछ कहा नहीं और प्रस्थान भी कर गई।
अब अवश्य ही कोई अद्भुत चमत्कार होगा। तो क्या भक्त श्रीधर को माता के दर्शन प्राप्त होने वाले हैं? तो क्या उन्हें वास्तव में माता के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होने वाला था? भगवान जब भक्तों की परीक्षा लेते हैं तो उससे उनकी भक्ति और निखरती है और भगवान एवं भक्त के बीच का संबंध और दृढ़ता पाता है। ऐसा ही कुछ वहाँ भी होने वाला था। क्या हुआ स्वामी, आप अचानक उधर द्वार की ओर क्यों देखने लगे? मुझे ऐसा लगा जैसे हमारी पुकार सुनकर वृद्ध माता की सहायता करने के लिए स्वयं माता रानी पधारी है। ऐसा पावन और पवित्र अनुभव मुझे पहले कभी नहीं हुआ। माता रानी अदृश्य है किंतु उनका आभास हो रहा है मुझे। माता रानी, इस भक्त का प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे माता रानी, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। माता कभी अपने भक्त को अपनी कृपा से वंचित नहीं करती, किंतु उनके लीला के रहस्य को समझना सरल नहीं। माँ, माँ मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, अपने भक्त का प्रणाम स्वीकार कीजिए। क्षमा कीजिएगा, मैं लज्जित हूं। कुटिया का हर स्थान छान लिया मैंने, इस वृद्धा के पास कुछ नहीं तो कदाचित माता की कृपा से वंचित रहना, उसका पुण्य प्राप्त ना कर पाना ही मेरा भाग्य है, क्योंकि मुझ में तो संभावना देने की योग्यता भी नहीं। ओह, ये बक्सा तो मैंने देखा ही नहीं। कदाचित मेरे पति के इस बक्से में कुछ मिल जाए। व्यक्ति के भीतर संतोष, सादगी और सच्चाई हो तो ईश्वर सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।